ये तीन संकेत बताते हैं कि आपकी दरिद्रता का अब अंत होने वाला है। माँ लक्ष्मी है आपसे प्रसन्न, ऐसे में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से करेंगे आपके घर में वास। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो अगर आपके घर में भी आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि अब आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों हिंदू शास्त्रों में ऐसे महत्वपूर्ण संकेत बताए गए हैं जिस स्थान पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है वहाँ पर हमें ये अद्भुत संकेत मिलते हैं। माँ लक्ष्मी जी जो धन ऐश्वर्य की देवी है, उनकी कृपा प्राप्त व्यक्ति ऐश्वर्यशाली बन जाता है। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ सदैव ही सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमें सदैव ही ये प्रयास करते रहना चाहिए कि माँ लक्ष्मी सदैव ही हमारे घर में निवास करे, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियमों का हमें पालन करना चाहिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे ही स्थान पर निवास करती है जिस घर के सदस्य शास्त्रों में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं। हमें सदा ही हमारे घर में माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं को रखना चाहिए और ऐसी चीजों को हमेशा घर से दूर रखना चाहिए जिनसे नकारात्मक ऊर्जा निकलती हो। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसी कारण से हमें समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई वस्तुओं को हमारे घर में रखना चाहिए, जैसे शंख, गोमती, चक्र, कोड़ी इत्यादि। इन चीजों को खासकर उस स्थान पर रखना चाहिए जिस स्थान पर हम अपना धन रखते हैं। इसके अलावा आप श्री यंत्र भी रख सकते हैं। श्री यंत्र में अद्भुत शक्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस स्थान पर श्री यंत्र होता है वहाँ धन की हानि कभी भी नहीं होती बल्कि धन में वृद्धि होती है। इसीलिए घर में श्री यंत्र अवश्य रखें। ये आपको बाजार में पूजा सामग्री की जो विशेष दुकानें होती है वहाँ आसानी से मिल जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना विशेष तौर पर करें, व्रत करें और माँ लक्ष्मी की स्तुति का पाठ करें और दान धर्म करें। आज हम आपको बताएंगे कि माँ लक्ष्मी के घर पर आने से पूर्व हमें कौन से संकेत मिलते हैं। ये संकेत हमें प्रकृति द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा मिलते हैं जिन पर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए और माँ के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें माँ लक्ष्मी के आगमन के संकेत मिलने पर क्या करना चाहिए और फिर हम जानेंगे उन संकेतों के बारे में जो अगर आपको भी मिलते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों माँ के स्वागत हेतु हमें वास्तु शास्त्र में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि अगर घर में वास्तु दोष हो तो माँ ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। वास्तु शास्त्र कहता है कि माँ लक्ष्मी ऐसे घर में ही प्रवेश करती है जहाँ पर स्वच्छता होती है। इसीलिए घर को नित्य स्वच्छ रखें। घर में किसी भी प्रकार की गंदगी, कूड़ा करकट, टूटा फूटा सामान जमा करके ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने रोज सुबह जल का छिड़काव करें, जिससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी और मन में माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए माँ के स्वागत के लिए सुंदर रंगोली बनाएं और घर के अंदर मकड़ी के जाले होना बहुत ही अशुभ माना गया है। शास्त्रों में ये स्थान पिशाच, निशाचर, भूत, प्रेत आदि के रहने के योग्य माना गया है। ऐसे स्थान पर देवी देवता निवास नहीं करते, इसीलिए घर में मकड़ी के जालों को समय समय पर हटाना चाहिए। जिस घर में सदा ही कलेश का वातावरण बना रहता है ऐसे घर में लक्ष्मी जी कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसीलिए प्रत्येक शुक्रवार को घर को नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए, इससे घर से कलेश कम होता है। आइए अब जान लेते हैं माँ लक्ष्मी के आगमन के संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत तुलसी का पौधा। अगर अचानक से आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा हो जाए, तुलसी पर मंजरी फूलने लगे तो ये माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का ही वास है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस स्थान पर तुलसी का पौधा फलता फूलता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जी निवास करती है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा हो जाता है तो माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है। अगर तुलसी का पौधा अचानक से सूखने लगे तो ये घर में दरिद्रता आने का संकेत है। दूसरी बात गौ माता। अगर द्वार पर कोई गौ माता अपने बछड़े के साथ पधारे तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। गौ माता कामधेनु है, समस्त दुखों का नाश करने वाली और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी है। इसीलिए द्वार पर अपने बछड़े के साथ आई गौ माता को लक्ष्मी समझकर उसका पूजन करें, आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। तीसरा संकेत चिड़िया। प्राचीन काल से ही
चिड़िया को सुख समृद्धि और सौभाग्य की निशानी माना गया है। अगर आपके घर में चिड़िया घोंसला बनाती है तो ये साक्षात माँ लक्ष्मी का आपके घर पर आगमन का संकेत माना गया है। ये आपके धन में वृद्धि का संकेत है, इसीलिए उस चिड़िया के घोंसले को भूल से भी ना तोड़ें, बल्कि चिड़िया के लिए मुख्य द्वार के सामने जल और भोजन का प्रबंध करें। चौथी बात, शुभ लक्षणों वाली कन्या। सामुद्रिक शास्त्र में पिता के समान मुख वाली शुभ लक्षणों वाली कन्या का जन्म होना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। ये लक्ष्मी के समान गुणों वाली होती है। ऐसी कन्या के जन्म से घर के सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में माँ लक्ष्मी के आगमन के संकेत बताए गए हैं। इसी तरह कुछ संकेतों से आप जान सकते हैं कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है, अब आपके बुरे दिन जल्द ही जाने वाले हैं। नंबर एक, जब सुबह सुबह आप किसी काम के लिए तैयार हो रहे हैं और घर में अचानक आपको छिपकली दीवार पर नजर आ जाए तो ये संकेत आपके काम बनने का संकेत देता है। घर से बाहर निकलते समय अगर आपके सामने कोई पक्षी आकर बैठ जाता है और बिना पंख हिलाए वो बैठा रहता है तो ये संकेत है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। नंबर दो, छींक आना अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन इसमें भी शुभ संकेत छिपा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सुबह नाश्ता करने बैठते हैं और उस समय आपको छींक आ जाए तो ये संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप सपने में साफ पानी को देखते हैं तो ये संकेत है कि आपको जल्द ही बड़ा धन लाभ होने वाला है। इसी तरह कपड़े उतारते समय पैसों का गिरना भी लाभ का संकेत है। नंबर तीन, जब भी कभी आप पूजा करते हैं और भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो ये संकेत होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर चार, आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो ये उधार दिए हुए पैसों का जल्द मिलने का संकेत है या आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत है। नंबर पाँच, परीक्षा के लिए जाते समय रास्ते में कोई फूल पड़ा मिल जाए तो ये सफलता का संकेत है। सुबह उठते ही दूध या दही जैसे पदार्थ दिखना भी अच्छी किस्मत का संकेत होता है। नंबर छह, जब भी कभी भी यात्रा करते समय आपको अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता, सांप दिखाई दे जाए तो ये संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। सपने में हरे भरे प्राकृतिक नजारे देखना भी शुभ संकेत माना गया है। हरियाली अगर पानी के किसी स्तोत्र के पास हो तो ये संकेत है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होगा। नंबर सात, शादी के बाद चल रही है और जीवन साथी को देखने जाते समय अगर कोई स्त्री लाल साड़ी में पूरा श्रृंगार किए हुए नजर आए तो ये संकेत है कि आपको श्रेष्ठ जीवन साथी मिलने वाला है। नंबर आठ, अगर आपको सुबह उठते ही कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे जाए तो ये भी काफी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये इस बात का प्रतीक है कि आपको कहीं से धन लाभ होने वाला है। नंबर नौ, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही शुभ माना गया है। इस तरह की पूजा पाठ में शंख का एक विशेष स्थान होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को सुबह उठते ही शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो ये आने वाले शुभ संकेत की तरफ इशारा करता है। ऐसा माना जाता है ये इस बात का प्रतीक है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर काफी प्रसन्न है। नंबर 10, अगर आप कहीं काम से जा रहे हैं और आपको रास्ते में कुत्ता अपने मुंह में खाने वाली कोई भी वस्तु लिए हुए दिखाई दे जाए तो ये भविष्य में होने वाले धन लाभ की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर कुत्ता मुंह में मांस का टुकड़ा या हड्डी लिए हुए है तो ये आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।